फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से कोई चार्ज कैरियर जो है मूव कर सकता है, मतलब एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो मटेरियल्स हैं, तरह तरह के मटेरियल्स होते हैं, जैसे एक गुड कंडक्टर होता है, मेटेलिक कंडक्टर। दूसरे तरह के मटेरियल्स सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये जो तरह तरह के मटेरियल्स हैं, इनमें मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चार्ज कैरियर्स के रूप में होते हैं और वही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो किसी मेटेलिक वायर के अंदर अगर अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, तो हम समझेंगे कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में कठिनाई होती है, वो अधिक स्पीड से नहीं मूव कर पा रहे हैं एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो हम समझेंगे कि उनकी कंडक्टिविटी पुअर है। तो एक्चुअल में मोबिलिटी जो है ये किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी को तय करता है। ठीक है, जितने अधिक चार्ज कैरियर्स जो हैं मोबाइल होंगे, जितनी अधिक मोबिलिटी होगी चार्ज कैरियर्स की किसी मटेरियल के अंदर में, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी, वो उतना ही अच्छा गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। ठीक है, अब बात करें सेमीकंडक्टर्स के अंदर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं चार्ज कैरियर्स के रूप में। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर और ये होल्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के रूप में। तो जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं बीइंग द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। और इनके मूवमेंट के कारण जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और होल्स जो हैं मूव कर पाएंगे, जितनी अधिक स्पीड उनकी होगी तो उनकी कंडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कैटायंस और एनायंस जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं हम दो इलेक्ट्रोड्स को, और उस दोनों इलेक्ट्रोड को अगर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम प्लेस करें तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो कैटायंस और एनायंस हैं, कैटायंस कैथोड की ओर जाते हैं, एनायंस एनोड की ओर जाते हैं। तो ये जितनी तेजी से मूव कर पाएंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, हम समझेंगे कि उतना ही अच्छा वो कंडक्टर होगा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो मोबिलिटी है इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी को तय करता है। ठीक है, आपने समझा, मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। आपने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कैटायंस और एनायंस की मूवमेंट जो है वो तय करते हैं कंडक्टिविटी को। सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तय करते हैं उसकी कंडक्टिविटी को। वो जितने ज़्यादा मोबाइल होंगे ये चार्ज कैरियर्स, उतनी अधिक कंडक्टिविटी होगी, और जितने कम मूव करने लायक होंगे, इनकी मोबिलिटी में जितनी कमी आएगी उतनी अधिक जो है इनकी रेसिस्टिविटी होगी और उतनी कम कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं कि मोबिलिटी क्या होती है। दरअसल ये चार्ज कैरियर्स जो मटेरियल्स के अंदर हैं ये मूव इसलिए करते हैं क्योंकि हम इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सेटअप करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, दरअसल मान लो कि ये पेन नहीं, एक मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक वायर है, तो इसको जब हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो होता ये है कि मान लो कि ये उंगली पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी की, ये उंगली नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, और अंदर मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट करने लगते हैं। ड्रिफ्ट करना क्यों, क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं तो एटम साइंस के साथ उनकी कॉलिजन होती है और उसकी वजह से उनकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है और वो एक औसत चाल से, एक एवरेज वेलोसिटी जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसके लिए एक्सप्रेशन आपको कुलदीप सर ने बताया है। ठीक है, तो उस औसत चाल से, उस एवरेज वेलोसिटी से वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण जो है उनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आपने एक रिलेशन भी ऑब्टेन किया होगा और वो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के साथ।
उनकी जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज की वैल्यू और चार्ज के मास, उनके साथ एक रिलेशन आपने लर्न किया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ एवरेज अपॉन एम। हालांकि आपने ये काम मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ करता था, ये इलेक्ट्रॉन का मास हुआ करता था। तो जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर, तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कंडक्टिविटी के लिए, मान लो कि उन चार्ज कैरियर्स की चार्ज की वैल्यू जो है क्यू है और उस चार्ज कैरियर का मास एम है, ठीक है, तो उस चार्ज कैरियर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्यू ई टाउ एवरेज अपॉन एम के इक्वल होती है। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई जो है न्यूमरेटर में आता है, जितना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे उतनी अधिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ये जो मोबिलिटी है, इसका डेफिनेशन कि मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन ए यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब किसी चार्ज कैरियर को यूनिट स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं, यानी 1 वोल्ट पर मीटर की स्ट्रेंथ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम प्लेस करते हैं, तब उसके द्वारा जो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर होती है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। या यूं कहो कि अगर ई स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड में VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो यूनिट स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर होगी, तो VD अपॉन E, इसी को हम मोबिलिटी कहते हैं, जिसको म्यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो मोबिलिटी का ये डेफिनेशन हो गया आपका, म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E, एक फॉर्मूला भी हो गया। क्लियर है? इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं। अच्छा, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू E भी लिखा जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ठीक है। अब जैसा कि तुम जानते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है क्यू ई टाउ एवरेज अपॉन एम, ठीक है, और म्यू की वैल्यू जो है वो वी डी अपॉन ई होती है, तो वी डी की वैल्यू पुट कर दें क्यू ई टाउ एवरेज अपॉन एम अपॉन ई कर दें, तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो जो मोबिलिटी के लिए हमारा एक्सप्रेशन आया वो क्यू अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज हो गया, ठीक है। क्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज कैरियर, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, एम इज द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज कैरियर, एंड टाउ एवरेज इज द मीन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो जैसा कि इसका डेफिनेशन कह रहा है कि म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर, ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस ड्रिफ्ट, अब हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, आई एंड वी डी को रिलेट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू, जैसे आप जानते हो वी डी ई एन ए होता है, ये रिलेशन भी कुलदीप सर ने आपको बता दिया है। अब यहां पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वीडी वैल्यू को पुट कर दें, वीडी इज इक्वल टू म्यू ई, यहां से लेकर आइए, तो इस वीडी इज इक्वल टू म्यू ई को अगर हम यहां पुट कर देते हैं, तो आई के लिए, करंट के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो म्यू ई, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटू ए हो गया। क्लियर है? तो आई के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। अब रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ध्यान देना, सेमीकंडक्टर्स की में जो करंट फ्लो होगा उसकी और उसकी उसमें जो चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रूप में, उनकी मोबिलिटी, इन सबको हम रिलेट करते हैं। तो जैसा कि तुम जानते हो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी के लिए उसके जो उसमें मौजूद जो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनकी मोबिलिटी जो है, उनकी मूव करने की जो एबिलिटी है वो तय करती है इनकी कंडक्टिविटी को। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम किसी बैटरी वैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो है जो नेट करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने वाला करंट, ठीक है, और प्लस होल के कारण फ्लो होने वाले करंट, दोनों करंट का सम होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या लिखोगे आप,
VE, drift velocity of electrons into electronic charge, number density of free electrons into cross-section area of that particular semiconductor material, उस cross-section area, ठीक है, वही वीना, वीना formula ही use हुआ है. अच्छा, अब holes की बात करें, hole current की, hole current के लिए हमें VE की जगह VH लिखना होगा, और number density of holes करने होंगे, number density of holes लेंगे हम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेंगे. ध्यान देना, यहाँ एक होल का जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, इसीलिए यहाँ हमने चार्ज की जगह स्मॉल ई वैल्यू लिया. और क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों के लिए सेम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या होल हो. तो ये फॉर्मूला लग गया. अब इन दोनों को ऐड करने में देखो कुछ चीजें कॉमन है. सबसे पहले तो वी को हम पुट कर देते हैं म्यू के टर्म में. तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो में जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो म्यू ई E के बराबर इंटू ई एन ई ए होगा. यहाँ इस टर्म में हमने भी ई की जगह म्यू ई ई कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इंटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बैटरी इंटू ई एन ई, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ए. अब प्लस यहाँ पर वी एच की जगह हमने म्यू एच, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ होल्स इंटू E, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्मॉल E, जो कि होल का चार्ज होता है और पॉजिटिव होता है. एन पी, पी मतलब यहाँ पर होल्स की संख्या, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू A हो गया. तो देखो इसमें क्या क्या कॉमन हो गया, E कॉमन हो गया, कैपिटल E, स्मॉल E कॉमन, कैपिटल A कॉमन, क्रॉस सेक्शन एरिया, इनको हम बाहर कर लेते हैं. ब्रैकेट के अंदर हमारा म्यू ई एन ई बच गया, अब प्लस म्यू एच एन एच हो गया. तो ये सेमीकंडक्टर्स के अंदर फ्लो होने वाले करंट की मैग्नीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4 के रूप में. ध्यान देना एन ई और एन एच जो हैं ये नंबर डेंसिटी हैं, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ना कि नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेट नंबर ऑफ होल्स. दिस आर कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है. अब हम एक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर्स के अंदर फ्लो होने वाला करंट जो होगा वो अप्लाइड वोल्टेज अपॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा ऑफर्ड रेसिस्टेंस आर के बराबर होगा. लेकिन अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू ई इंटू एल होती है, ठीक है. जैसा जानते हो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू ई इंटू एल. आर के लिए तुम जानते हो रो एल अपॉन ए होता है, तो एल एल कैंसिल हो गया, ए न्यूमरेटर में आकर के ये रिलेशन हो गया ई ए अपॉन रो, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 5 नाम देते हैं तो याद करो भी ये जो फोर्थ इक्वेशन हमारा आया था जिसमें सेमीकंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ये आई थी, और फिफ्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ये आ गई. तो दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि ई ए अपॉन रो जो है दिस वुड बी रिटन एज ई ए ई इनटू ब्रैकेट में एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच होगा, ठीक है. अब यहां से ई ए कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन रो बच गया, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू एनई म्यू ई प्लस एनएच म्यू एच हो गया. अब ये जो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी है इसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसके लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए. तो सेमीकंडक्टर मटेरियल एक्चुअल में ये जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी के लिए है. तो कंडक्टिविटी जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ये सिग्मा सिंबल से, तो सिग्मा सेमीकंडक्टर के लिए यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच के बराबर होगा. ये एक्सप्रेशन कई बार पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, तो मुझे उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे. और मान लो कि क्वेश्चन नंबर 6 है. अब इस पर बेस्ट एक न्यूमेरिकल दे रखा है, जैसे सेमीकंडक्टर हैज द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन 0.45 into 10 to power 12 per cubic meter and hole concentration equal to 5 into 10 to power 20 per cubic meter. तो find its conductivity. तो simple, इनकी conductivity को निकालने के लिए हम ये formula इस्तेमाल करेंगे. लेकिन और भी information जो supplied है, देखो electron की mobility mu e given है, mu e चाहिए होगा हमें, दे रखा है 0.135 meter square per volt per second and holes की mobility दे रखी है mu h is equal to 0.048 meter square per volt per second. यहाँ ये जानना जरूरी है कि किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो ज़्यादा होती है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, आज़ादी से कहीं भी मेटेरियल के अंदर क्रिस्टल में इंटर एटमिक स्पेसिंग से होकर के मूव कर सकते हैं, लेकिन होल्स जो हैं उनकी मोबिलिटी बहुत पुअर होती है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा डिटेल आप लोग जब 14 चैप्टर पढ़ोगे तब जानोगे कि ऐसा क्यों होता है। तो म्यू एच और म्यू ई दोनों आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप जानते ही हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिग्मा निकालने के लिए कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर देंगे, स्मॉल ई इंटू एन ई म्यू ई एन एच, म्यू एच करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू पुट करिए, एन ई और म्यू ई की वैल्यू पुट करिए, प्लस एन एच और म्यू एच की वैल्यू पुट करिए, साइम इन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी सिग्मा की, और ये लास्ट में कैलकुलेट करने पर ये आपका 3.84 साइमन पर मीटर ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस एक्सप्रेशन को, इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह समझा होगा। थैंक यू।